अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉमस माल्थस का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी के लिए पेश किया। पॉलिटिकल इकोनॉमी और आबादियात के शोबों में थॉमस माल्थस एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और मीन्स ऑफ सब्सटेनेंस यानी फूड प्रोडक्शन को बहुत ही सिस्टमैटिकली थियोराइज किया है। थॉमस का जो टाइम पीरियड है यानी 1766 टू 1834, ये डेट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कोई ऑथर को पढ़ें तो ये बात ध्यान में रखें कि इस वक्त के कॉन्टेम्प्रेरी सर्कमस्टांसिस क्या थे। उनका ताल्लुक इंग्लैंड से था और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इंग्लैंड का प्रॉस्पेरिटी लेवल जो 18 सेंचुरी के शुरू में था वैसा ना था जो 18 सेंचुरी के आखिर में था। बेरोज़गारी में इजाफ़ा, फूड प्रोडक्शन में कमी और दीगर क्राइसिस ने माल्थस को बहुत इन्फ्लुएंस किया। माल्थस की थ्योरी ने जो शेप लिया, दरअसल वो विलियम गॉडविन की थ्योरी के डिसएग्रीमेंट पे था। 1793 में गॉडविन ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉरल्स एंड हैप्पीनेस। गॉडविन बेसिकली एक इटोपियन था और इटोपियन वो लोग होते हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सोसाइटी एक दिन बिल्कुल हेवन बन जाएगी, बशर्त ये कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ज़रिए चीज़ों को प्रॉपर डायरेक्शन में लाया जाए, यानी सोसाइटी में पैदा होने वाले क्राइसिस अवर्ट हो सकते हैं। माल्थस वॉज डिस्टर्ब विद हिज व्यूज़, क्योंकि जिन सर्कमस्टेंसेस को माल्थस ने ऑब्जर्व किया इनका डिसएग्रीमेंट गॉडविन से था। माल्थस ने 1798 में किताब लिखी एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट अफेक्ट्स फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है यानी डबल होती जाती है, जैसे 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 32, 32 to 64, 64 to 128, 128 to 256। इसके बरक्स बढ़ती हुई आबादी की नीड्स को कैटर करने के लिए फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, यानी ये रेट स्टेडी रहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ओवर अबंडेंट पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाई नाकाफी रह जाते हैं। इसलिए माल्थस का मानना था कि अगर हम खुद प्रिवेंशन नहीं लेते तो वी आर हेडिंग फॉर द क्राइसिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि माल्थस ने किस प्रोफेसी पर अपनी इस थ्योरी को प्रपोंड किया और फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाने पर क्राइसिस क्यों आ गए, वो हम इनके दिए गए अजम्पशन से देखते हैं। पहला अजम्पशन ये है बर्थ रेट विल कंटिन्यू टू रिमेन हाई, यानी शराय पैदाइश हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। नंबर 2, प्रॉस्पेरिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जब जब लिविंग स्टैंडर्ड्स रेज होंगे, हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस इम्प्रूव होंगी, डिजीजेस कंट्रोल होंगी, तब तब डेथ रेट कम होता जाएगा। नंबर 3, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और यूं ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वाइड जो गैप है वो वाइड होता चला जाएगा और सोसाइटी क्राइसिस की जद में आ जाएगी। वो क्राइसिस फेमाइन भी हो सकती हैं, वाइस, मिसरी, हंगर, डिजीजेस भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से सोशल इवेल्स जनरेट होंगे जो जंगी हालात पैदा कर देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि कुदरती तौर पर पॉपुलेशन किसी हद तक चेक में रहेगी। इन क्राइसिस को माल्थस ने पॉजिटिव चेक्स का नाम दिया, जो कि नेचर की तरफ से आते हैं जिसका इंसानों को नेगेटिव तरीके से सामना करना पड़ता है। पॉजिटिव चेक्स की नौबत ना आए इसलिए माल्थस ने ह्यूमन सोसाइटी को सजेस्ट किया कि वो प्रिवेंटिव चेक्स अपनाएं, जैसे लेट मैरिजेस, सेल्फ रिस्ट्रेंट और बर्थ कंट्रोल स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करें। साइंस ऑफ एवोल्यूशन के बानी चार्ल्स डार्विन के लिए माल्थस का नज़रिया आबादी प्रिंसिपल इंस्पिरेशन बना और उन्होंने यह खस किया कि अगर हद से ज़्यादा आबादी को खाने की किल्लत का सामना हो तो ये हालात इंसानों को जिंदा रहने के लिए एक ना ख़त्म होने वाले स्ट्रगल में मुब्तला कर देते हैं।
यानी भूख, अफलास, गुर्बत और वबा की सूरत में आबादी का सिर्फ वो हिस्सा सर्वाइव कर पाएगा जो माशी तौर पर फाल और मजबूत कुव्वत मुदाफ़त का हामिल होगा, और वो तबका जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स ना रखता हो वो क्राइसिस की जद में आकर फना हो जाएगा। दिस इज़ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सेलेक्शन। डार्विन की तरह थॉमस माल्थस के और भी सपोर्टर्स मौजूद हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स को मल्थूसियन एविडेंस के तौर पर एक्नॉलेज किया। दूसरी बात ये कि इन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम को इनके सपोर्टर्स ने मल्थूसियन इवेंट्स करार दिया। ना सिर्फ ये बल्कि इन जंगों के बाद पैदा होने वाले क्राइसिस को भी मल्थूसियन कैटास्ट्रोफी से मंसूब किया गया। पहले जंग अजीम के बाद आने वाले इंसानी तारीख का सबसे डेडलीस्ट पैंडेमिक स्पेनिश फ्लू, जो कि 1918 टू 1920 तक रहा, जिसने दुनिया की आबादी के चौथाई हिस्से को निशाना बनाया। फिर इसके बाद जर्मनी के नाजी हुक्मरानों की एथनिक क्लिनजिंग के नाम पर की जाने वाली मास मर्डर और जेनोसाइड के वाक़यात। दूसरे जंग अजीम के बाद भी बनी नू इंसान को मुख्तलिफ वबाओं से दोचार होना पड़ा, मसलन पोलियो, कॉलरा, इबोला, HIV, SARS वगैरह। इन वाक़यात ने दुनिया को ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन के धाने पर ला खड़ा किया और लाखों लोगों को फाकों पर मजबूर किया। लेकिन ब्लैक डेथ कट थ्रू के बाद दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियां देखी गईं। यूरोपियन ममालिक ने बतौर प्रिवेंटिव चेक्स बर्थ कंट्रोल स्ट्रेटजी को वाइडली प्रैक्टिस किया। मजमूई तौर पर मायारे ज़िंदगी बुलंदी की तरफ ऐसे आया कि आबादी का रेशो अब फूड प्रोडक्शन के रेशो को आउटपेस करता दिखाई नहीं दिया गया। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क चाइना, जहां हाल ही में वन चाइल्ड पॉलिसी नाफिज की गई, ठीक वहीं से कोरोना वायरस उभरता है और 3 माह के अंदर ही बिला तफरीक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर लाखों इंसानी जानें निगल जाता है। इस पैंडेमिक ने इंतहा को पहुंचकर ग्लोबल इकॉनमी को धचका दिया, क्रेडिट और स्टॉक मार्केट्स को फ्रीज किया और अनगिनत लोगों को बेरोज़गार करके भूख पर मजबूर कर दिया। ये पैंडेमिक जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, क्या ये मल्थूसियन थ्योरी का फ्यूचर इंटरप्रिटेशन है? बज़ाहिर तो इसमें सच्चाई के अंसर मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि COVID-19 को मल्थूसियन ट्रैप से जोड़ा जाए। मल्थूसियन थ्योरी के सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं जो कि इनके अपने परसेप्शंस के प्रॉब्लम हैं, जिसकी वजह से ये एक वन साइडेड थ्योरी है, क्योंकि माल्थस ने अपनी थ्योरी में बहुत ही लिमिटेड डेटाबेस का इस्तेमाल किया है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट कैन नॉट बी ऑलवेज कांस्टेंट। माल्थस ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से होने वाली ग्रीन रेवोल्यूशन और इससे पैदा होने वाली वाफिर मकदार में फूड प्रोडक्शन दैट कीप्स पेस विद पॉपुलेशन रेट, इस फैक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया। दूसरी बात ये कि उन्होंने माइग्रेशन को अपनी थ्योरी में जगह नहीं दी। अबंडेंट लेबर और फूड रिसोर्सेज को बैनल अक्वामी तिजारत के ज़रिए ऐसे मकामात में भी मुंतकिल किया जा सकता है जहां इन रिसोर्सेज की किल्लत हो। कुदरती आफात को अगरचे काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन जदीद आलात के ज़रिए एटलीस्ट फोरकास्ट करके एहतियाती तदाबीरें अख्तियार की जा सकती हैं। 19वीं सदी में आने वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने माल्थस की थ्योरी को प्ले डाउन कर दिया, क्योंकि इस सदी में ग्लोबल फूड सप्लाई में इजाफा देखा गया। आबादी में इजाफा इंसानी सरमाए में इजाफे का बायस बना और बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, जिससे मयारे ज़िंदगी बुलंद हुआ। मेरी ज़ाती राय यह है कि COVID-19 वो पॉजिटिव चेक नहीं जिसका जिक्र माल्थस ने अपनी थ्योरी में किया, बल्कि ये एक रिमाइंडर है जिसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ हमारी सोच को डाइवर्ट किया कि इंसानी दिमाग सोचे कि इसको किस तरह अच्छी और बैलेंस ज़िंदगी बसर करने के लिए पॉजिटिव सेट ऑफ चॉइसेस का इंतखाब करना है। और ये वो चॉइसेस हैं जिनको हम पॉलिटिशियंस, टेक्नोक्रेट्स या मीडिया पोलिटोक्रेट्स के रहमोक्रम पर नहीं छोड़ सकते। इस अलार्मिंग सिचुएशन को समझ बूझ और एहतियात
जो हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें बहुत पहले ही सिखाई थी, इनके ज़रिए निपटाया जा सकता है। ज़रा सोचिए किस तरह फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आ गई है, क्यों बार बार समाजी फासले और पर्सनल हाइजीन पर ज़ोर दिया जा रहा है। याद रहे, कोई तूफ़ान, आंधी, सैलाब या वबा नुए इंसानी को तबाह करने के लिए नहीं आता। अल्लाह अपने बंदों को वार्निंग भी देता है और सज़ा भी, लेकिन नुए इंसानी को मिटाने के लिए इसने रोज़े कयामत मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले इंसानों की तबाही का इख्तियार इंसानों के पास है, चाहें तो बचा लें, चाहें तो मार दें। अब आप सोचते जाएं, इम्कानात की दुनिया वसी से वसी तर होती जाएगी। हलाल जानवरों की सप्लाई में तो कभी किल्लत नहीं देखी गई। दुनिया में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ना हो, इसलिए मज़हब इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम कर दिया, ताकि माशरे में गुर्बत और अफलास का खात्मा किया जा सके। सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया, ताकि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से बचा जा सके। बिला ज़रूरत घर से बाहर जाने की ममानत, बच्चों को समाजी फासलों के बारे में आगाही फराम करना, क्या ये गाइडलाइंस हमें पहले से मालूम नहीं थी? अब ज़रूरत इस बात की है कि बहैसियत मुसलमान हमें अपने ईमान की ताकत से करोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, क्योंकि अगर मोमिन हो तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। करोना ने दुनिया में ताकत की मसावात का अनोखा और एक नया उसूल रोशनास करा दिया है। अब सब बराबर हैं, कोई सुपर पावर नहीं। यही बात हमारा मज़हब भी सिखाता है, किसी कौम को किसी दूसरी कौम पर फौकियत हासिल नहीं। मुमकिन है कि दुनिया में मसावात का ये जबर नस्ल इंसानी को कायम रखने वाला सबसे बड़ा आमिल साबित हो। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर नोवल करोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीती जाएगी, लेकिन इसके बाद जो दुनिया होगी वो मौजूदा दुनिया से बेहतर हो। अमन व अमान कायम रखने के लिए अशरफुल मखलूकात बेहतर रास्ता तजवीज़ कर सकते हैं, बशर्ते इनमें गलबा पाने की ख्वाहिश जन्म ना ले। स्टे होम, स्टे सेफ।